नॉन के साथ एक प्रैंक होने वाला है, मैंने उसे बताया नहीं ना, तब प्यारा सा डॉगी मिला ना भाई, लास्ट मोमेंट में करेगा तो ऐसे होगा। जब रोहित का ब्लॉग नहीं आता तो उस दिन तो हे गाइस, कैसे आप लोग, खूब करते हैं आप लोग, अच्छे होंगे, अच्छा लाना, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मेरे 2K सब्सक्राइबर भी हो गया, तो थैंक यू सो मच यार 2K सब्सक्राइबर कराने के लिए, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी भी होगा। तो मैंने कहा जिन्हें सब्जी बनाई यहाँ पे, अभी फिलहाल वो बर्तन धो दिया, उसने बनाई आज अरबी की सब्जी। तो नाश्ता वगैरह करते हैं फिर हम कोचिंग चले जाएंगे, जिनका टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी गाड़ी हम टाइम से कोचिंग जा रहे हैं, तो टाइम हो रहा अभी 7:20, तो आज हम टाइम से जाएंगे कोचिंग। मेरा दिन नीचे आ जाइए ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा दिन नीचे आ जाएगी ना, तब तक मैं गाड़ी वगैरह बाहर लगा देता हूँ, तो चलते हैं जल्दी कोचिंग के लिए, लेट भी हो गया भाई, हम इतना जल्दी करते हैं फिर हमको लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमने स्कूटी लगाई रहती है, तो जल्दी जल्दी स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस स्कूटी स्टार्ट पर लगा देते हैं, तो तब तक स्टार्ट भी हो जाएगी, और तब तक जिमू के हाल पूछ के आते हैं। जिमू जिमू भाई, अंकल ने इसके ऊपर कपड़ा डाल रखा, सही है, इसको ठंड भी नहीं लगेगी। मैं भी सोचता हूँ यार एक डॉगी होना चाहिए घर में, सेफ्टी के लिए भी है और भाई क्यूट भी होता है बहुत। जिमू सो रखा है, हमसे डरता है शायद, मुझे लग रहा है फिर गाड़ी की आवाज़ यहाँ पर स्टार्ट होती ना, तो या फिर गाड़ी की आवाज़ से डरता है। तो मेगा जी का वेट करते हैं, जैसे मेगा जी आ जाएगी फिर हम चलते हैं वहाँ से। तो गाइस मेगा जी भी आ गई है, तो अब हम यहाँ से कोचिंग चलते हैं भाई, मतलब हम जितना भी जल्दी करते हैं ना हमारे लिए फिर भी लेट होता रहता है, पता नहीं क्यों। तो गाइस हम कोचिंग में आ गए हैं, और हिमांशु का वही जल्दी आ जा, बाल मत बना वहाँ पे, जल्दी आ जा कोचिंग के लिए, लेट हो रही। और ना हिमांशु का फॉर्म नहीं भरा है भाई, लास्ट मोमेंट में करेगा तो ऐसे ही होगा, फॉर्म नहीं भरा तेरा, अभी एक स्टेप छूट गया। कौन सा? वो फिंगरप्रिंट्स वाला है? फिंगरप्रिंट्स वाला वो आज हो जाएगा वैसे, अगर हो पाएगा तो 12 बजे तक दिन की। तो अभी फिलहाल कोचिंग पढ़ते हैं, तब लोग हम तब घर जाके कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस हिमांशु और मैं कोचिंग से बाहर आ गए, और हिमांशु यहाँ पे, तो घर पे चलते हैं, हिमांशु का फॉर्म भी भरवाना है ना, जल्दी जल्दी चलते हैं, उसका एक स्टेप रुक गया है तो उसके चक्कर में उसका फॉर्म नहीं भरेगा, तो यहाँ से घर निकलते हैं। चल हिमांशु चल, ना आ रहा पीछे से, जल्दी चल, चलना जल्दी चल आगे चल। और हिमांशु के साथ एक प्रैंक होने वाला है, मैंने उसे बताया नहीं ना फॉर्म भर गया, मैं तो ऐसे झूठ झूठ बोल रहा हूँ, तो हिमांशु के साथ प्रैंक होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखते हैं हिमांशु का एक्सप्रेशन कैसे रहता है, उसे पता नहीं ना उसका फॉर्म भर गया। तो गाइज अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बाल बनवाने हिमांशु में, तो गाइज हमने हेयर कट करवा लिया है और हिमांशु के साथ प्रैंक होने वाला है, तो देखते हैं कि सक्सेस होता कि नहीं होता, उसे पता भी नहीं ना कि हम क्या करने वाले हैं। फिलहाल वो अभी शॉप पे जा रहा है कुरकुरे वगैरह लेने। तो गाइज हिमांशु आ गया और रूम पे चलते हैं, नहाने का बहुत कुछ किया है तो मैंने हेयर कट करवाया, तो मुझे नहाना भी है। तो गाइज फाइनली हिमांशु आ गया, देखते हैं प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, तो मैं उसके साथ प्रैंक करने जा रहा हूँ। हिमांशु चल फिंगरप्रिंट्स लगाना, अब फिंगरप्रिंट्स इस पर। तो हिमांशु का फॉर्म भरने के लिए था ना, तो फॉर्म भरते हैं, देखते हैं भरता कि नहीं भरता। तो मैं वेबसाइट खोलता था, तो हम देख रहे हैं कि ये है ना फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म। तो भाई अभी क्या बोल रहे, लास्ट डेट टू अप्लाई 11 नवंबर 2022। तो तेरा फिंगरप्रिंट कैसा लगेगा फिर? मेगा जी को फोन कर जल्दी, तो करना मैसेज करना जल्दी, मैसेज छुट्टी हो गई मुझे 10:40 हो गया। हाँ तो कॉल कर जल्दी कर। तो कल उसकी लास्ट डेट थी और हिमांशु, मुझे लगा कि आज लास्ट डेट है, वैसे उन्होंने बोला ना फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं 12 बजे तक, तो अगर तो मेगा जी ने कॉल उठा दिया तो फिंगरप्रिंट्स ले पाएगी। हाँ दीदी, ये रोहित कुछ बोल रहे हैं। मेगा जी फिंगरप्रिंट्स नहीं ले रहा यार, मना कर रहे, तो क्या वो मना कर रहा है, पता नहीं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उस पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं यार, कल तक तो बोला था उसने 10 बजे तक, तो नहीं था लास्ट टाइम, 10 से ऊपर हो गया। एक बार आप खोल के देखो मुझे, तो मैं देख रही हूँ, कोई भरोसा नहीं, वो भरोसा नहीं, क्या करेगा अब तेरा फॉर्म नहीं भरा 3 साल बाद भाई, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है कसम से, मजाक करा तेरा फॉर्म भर चुका है भाई सच्ची मम्मी की कसम तेरा फॉर्म भर गया, कल ही भर गया था, खुशी नहीं होती तेरे को अबे यार इसके साथ प्रैंक कर रहे थे। हमें कॉलेज जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी नहाता हूँ, मैंने बाल कटवाया ना, तो जल्दी जल्दी नहाते हैं फिर कॉलेज चलते हैं। तो कॉलेज में देखते हैं अगर कुछ हुआ तो ब्लॉग करेंगे, नहीं तो हमारे दोस्त लोग तो बहुत ओपी हैं, उनके साथ ही ब्लॉग कर लेंगे।
तो गाइस नहाने से पहले थोड़ा बर्तन धो लेते हैं। मेघा जा रही कोचिंग, वो आती है 1 बजे के लगभग, तो उसके लिए काम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बर्तन धो लेते हैं। उसके लिए भी इजी पड़ेगा और मेरे पास भी अभी काफ़ी टाइम है कॉलेज आने के लिए, तो तब तक मैं धो लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और हिमांशु मैं कॉलेज आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉग हम कॉलेज में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हिमांशु मैं निकल चुके हैं, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत क्लास वगैरह लेंगे। भाई हिमांशु मैं चलते हैं ना रोड पे, रोड में भाई दबंग दबंग वाला सीन होता है ना। तो गाइस हमें मिला क्यूट सा डॉगी, इसका नाम क्या होगा, जिमी आएगा तो नहीं। तो गाइस अभी हमें इतना प्यारा सा डॉगी मिला ना, मुझे ना वाइट डॉग्स बहुत पसंद है भाई, और ऐसा तो बहुत प्यारा पसंद है, मतलब छोटे होते और देखो ना कितने प्यारे होते हैं। वैसे मुझे डॉग्स से बहुत डर लगता है, बट ये छोटे होते ना वाइट वाले, तो इनसे ज़्यादा डर नहीं लगता, ये क्यूट से होते हैं और ये खाते भी नहीं है ना। कैसे हो जिमी, कितना प्यारा सा आ रहा है, तो अब इसे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, तो लो आप घूम लो फिर, ठीक है। तो गाइस हिमांशु ने मुझे ड्रॉप कर दिया है, आज मैं हिमांशु की स्कूटी में जा रहा था ना, तो ये घर जा रहा है और मैं भी घर चलता हूँ। भाई कॉलेज में ना सिलेबस बहुत आगे चले गया, मतलब प्रैक्टिकल सर वगैरह करवा ही रहे हैं, तो मुझे ना सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, जितना भी प्रैक्टिकल काम हुआ सारा डन करना पड़ेगा। और मेरा दिखा रही थी खाना, और भाई जो पीछे से धूप आ रही ना मस्त एकदम, तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। मैंने खाना भी नहीं खाया, भूख भी लग गई यार, सुबह मैंने नाश्ता किया था बस, अभी हम पहले लंच करते हैं, ये वाला ब्लॉग हम तब कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:16 और मुझे ब्लॉग अपलोड भी करना है, मेरा ब्लॉग 8 बजे के लगभग अपलोड हो जाएगा। GoPro की जितनी भी वीडियो आएगी वो हाई क्वालिटी की होगी, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2-3 GB जाएगा, और मेरा नेट भी ख़त्म हो गया। तो भाई मैंने ब्लॉग अपलोडिंग पर लगा दिया और ब्लॉग फाइनली अपलोड हो रहा है, मतलब यार मेरे फ़ोन में ना डाटा उड़ जाता है, मेरे को मिलती है 1.5 GB, तो 1.5 GB में क्या ही होगा ब्लॉग अपलोड करने के लिए, कम से कम 2-3 GB चाहिए होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा रह के ब्लॉग अपलोड करता हूँ। तो गाइस जितने में मैंने सोचा ना कि ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, उतने में मैंने थंबनेल भी एडिट कर दिया और मेरा थंबनेल भी एडिट हो गया, और यहीं से मैं ब्लॉग अपलोड भी हो जाएगा। भाई मतलब किस्मत बहुत सही है मेरी, जिसने भी ये वाईफाई खोला ना, सच में यार दिल से थैंक यू, बट है किसके मुझे ये समझ नहीं आता। भाई आधा घंटा खड़े रह गए ना तब जाके मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है, और अब टाइम हो रहा 3:48, कसम से मैंने खाना भी नहीं खाया और ना भूख भी लग रही है, क्योंकि टाइम तो यही निकल गया। भाई YouTube में बहुत मेहनत है, लोग सोचते हैं वीडियो बनाओ सीधा डालो, भाई बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर डाटा अलग चाहिए नेट। और ना मैंने एक चीज़ और देखी, जो GoPro की वीडियोज होती है ना वो सनलाइट में बहुत अच्छी आती है, मतलब हाँ अगर आप GoPro लेना चाहते हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको, अगर बाहर वीडियोज़ बनानी तो GoPro बेस्ट है। तो गाइस शाम हो गई और इस टाइम का भाई व्यू देखो मेरे पीछे, इतना प्यारा सा आ रहा ना सच में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार, और सनसेट भी हो रहा ना, तो इस सनसेट की वजह से तो 4 चांद लग गए हैं। तो गाइस अरविंद बोल रहे हैं कि जब रोहित का ब्लॉग नहीं आता तो उस दिन मेरा मूड खराब हो जाता है, आदत हो गई है मेरे को, मतलब कुछ नहीं देखता मैं फोन पे, कसम से वैसे भी मैं कुछ नहीं देखता फोन पे। तो गाइस मुझे पहली बार ब्लॉग एडिट करने में नींद आ रही है सच में, और जितनी देर में ये एक्सपोर्ट हो रहा ना तो इतनी देर में तो मैं नींद पूरी कर लूँ। तो गाइस मेरे से वाला ब्लॉग तो एडिट होने वाला नहीं, क्योंकि टाइम भी अप हो गया और 10 बजने वाली है, तो इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टेक केयर, और ये वाला ब्लॉग मैं फिर कल सुबह उठ के एडिट कर लूँगा। बाय बाय।